स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन विशेष रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। एक, लगाने के लिए उपयुक्त स्थान। दो, इंस्टॉलेशन के तैयारी टूल्स। तीन, इंस्टॉलेशन से पूर्व की तैयारी। चार, इंडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन। पांच, आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन। छह, वैक्यूम। सात, लीकेज का पता लगाना। आठ, चेक करना। इंस्टॉलेशन का सही स्थान। स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन से पहले सही स्थान का चुनाव करना चाहिए। यहां इंस्टॉलेशन की कुछ गलत स्थितियां दी गई हैं। इंस्टॉलेशन वाले स्थान के पास किसी हीट सोर्स या स्टीम सोर्स का होना। इंस्टॉलेशन के पास एयर सर्कुलेशन को ब्लॉक करने वाले अवरोध। इंस्टॉलेशन के पास धुएं व पानी के निकास का होना। जलने वाले सामान जैसे पर्दे, कपड़े आदि का पास होना। टेलीविजन, स्टीरियो व दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान का 40 इंच की दूरी में होना। वेंटिलेशन खराब है और आसपास अवरोध हैं जिनसे हवा का बहाव प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थितियां हैं जहां ज्वलनशील पदार्थ या संक्षारक गैस लीक हो सकती है। ये सलाह दी जाती है कि समुद्री किनारों पर जहां जंग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है वहां एंटी कोरोजन एयर कंडीशनर लगाएं। जिन स्थानों पर बहुत अधिक बरसात या बर्फबारी होती है वहां आउटडोर यूनिट पर शेल्टर लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार हवा के बहुत अधिक बहाव वाले इलाकों में आउटडोर यूनिट के सामने हवा को रोकने के लिए बैरियर लगाया जाना चाहिए। अच्छे वेंटिलेशन का चुनाव करें, लेकिन बरसात और सीधे सूरज की। खरीदे गए एयर कंडीशनर की बाहरी यूनिट और इंडोर यूनिट का आपस में मिलान सुनिश्चित करें। अब बॉक्स को खोलें, इंडोर यूनिट को बाहर निकालें और जांच करें कि इस पर कहीं कोई रगड़, पिचकाव और कोई दूसरी खराबी तो पैनल में नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए कीबोर्ड को बाहर निकालें, एक्सेसरीज को बाहर निकालें, चेक करें कि ये एक्सेसरीज पूरी हैं या नहीं। इंडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन के लिए जगह का चुनाव।
इंडोर यूनिट का बायां और दायां सिरा दीवार से 5 इंच से अधिक की दूरी पर होना चाहिए। ऊपरी सिरा 6 से 6 इंच से अधिक दूर होना चाहिए और निचला सिरा जमीन से 90 इंच से अधिक दूर होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि इंडोर यूनिट इंस्टॉलेशन मैनुअल के अनुसार लगा हो। एग्जिट पाइप की दिशा के अनुसार दीवार में छेद और स्क्रू की स्थिति को सुनिश्चित करें। वॉल बोर्ड ड्रेन पाइप की दिशा में उपयुक्त रूप से झुका हुआ होना चाहिए। माउंटिंग प्लेट पर दिए हुए स्क्रू के छेद के अनुसार निशान लगाएं। इसी तरह से दूसरे और स्क्रू के लिए भी। और इंस्टॉलेशन पोजीशन तय हो जाने के बाद इसे फिट कर दें। यदि सीमेंट की दीवार हो तो पहले प्लास्टिक की गिट्टी लगाएं और तब टैंपिंग स्क्रू से इंस्टॉलेशन प्लेट को फिट करें। एग्जिट पाइप की दिशा के अनुसार दीवार के छेद की स्थिति तय करें और साथ ही आउटडोर यूनिट की संभावित इंस्टॉलेशन पोजीशन तय करें। तारों और दूसरे बाहरी सामान का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि अंदर की ओर का छेद बाहर की ओर के छेद से। से खींच कर देखें कि कनेक्शन ठीक तरह और मजबूत।
ड्रेन पाइप की लंबाई के अनुसार इंडोर यूनिट के ड्रेन पाइप को एडजस्ट करें। नोट करें कि कनेक्शन एडहेसिव टेप से सील्ड होना चाहिए। पावर वायर और सिग्नल वायर का कनेक्शन। वायर को लपेटते समय पावर वायर और सिग्नल वायर को ऊपर की ओर रखें। कनेक्टिंग पाइप बीच में रखें और वाटर पाइप को नीचे की ओर रखें। लीकेज की जांच के लिए रैपिंग के दौरान कॉपर स्क्रू को खुला रखें। आउटडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन। आउटडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए ध्यान रखें कि आउटडोर के बाईं ओर जगह 12 इंच से कम नहीं हो, दाईं ओर 24 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार ऊपर की ओर भी 24 इंच से कम जगह नहीं होनी चाहिए। बैक स्पेस के लिए 12 इंच से कम नहीं और सामने की जगह के लिए 78 इंच से कम जगह नहीं होनी चाहिए। यदि आउटडोर यूनिट जमीन पर इंस्टॉल करना हो तो अगर आउटडोर यूनिट जमीन पर इंस्टॉल करना हो तो आउटडोर यूनिट के फ्रेम के पायों के बीच की दूरी को टेप से नाप लें। आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन पोजीशन का चुनाव करें। नोट करें कि एल शेप सिंक आउटडोर यूनिट के ड्रेन होल में सेट होना चाहिए। पैरों की दूरी के अनुसार एक्सपेंशन बोल्ट को ड्रिल करें। एक्सपेंशन बोल्ट में आउटडोर यूनिट को लोकेट करें, फिर उसमें चेक वॉशर और फ्लैट गैस्केट फिट करें। यदि आउटडोर यूनिट दीवार पर इंस्टॉल की जाए, लेवल मीटर की मदद से ब्रैकेट होल्स की पोजीशन को चेक करें। ध्यान रखें कि ब्रैकेट वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। अब आउटडोर यूनिट। आउटडोर पावर वायर और
कंडीशनर का रनिंग करंट नॉर्मल रेंज में है या नहीं। वोल्टेज की जांच, मल्टीमीटर लगाकर बंद किया जाता है। मल्टीमीटर के लाल पिन को एल से जोड़ें और काली को एन से जोड़ें। नापें कि एयर कंडीशनर चलने पर रनिंग वोल्टेज बताए गए वोल्टेज पर चल रहा है या नहीं। बाहरी चीजों को अंदर जाने से रोकने के लिए वॉल होल पर डैम्पिंग एडहेसिव का इस्तेमाल करें।